नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप अच्छे हैं। तो आज हम आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेकर आ रहे हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बांध बारीपदा शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। ये जगह मयूरभंज की गर्व और गौरव है। डैम के रास्ते में सड़क के किनारे पानी प्रचुर मात्रा में है और उसके कलकल की आवाज से मन खुशी से झूम उठता है। बांध की सड़क के दोनों ओर पेड़ों की सुंदरता देखकर आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। यह जंगल सिमिलापाल जंगल से जुड़ा हुआ है। इस बांध का पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, जिसे देखने के लिए शाम के समय बहुत से लोग आते हैं। यह बांध 1912 में बनाया गया था, जो पलापाला नदी पर स्थित है। यह बांध महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। बांध पर पहुंचने के बाद बांध से गिरती पानी की धारा की आवाज सुनकर पर्यटक के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बांध के ऊपरी हिस्से पर स्थित शिमिलिपाल पहाड़ों की तलहटी की सुंदरता बांध को और भी खूबसूरत बनाती है। नदी के ऊपरी हिस्से में पानी पर बादलों की छाया खेलती रहती है। यह देखना बहुत दिलचस्प है। बांध का ऊपरी हिस्सा हरे भरे खेत से भरा है और इस खेत के बीच से आने वाला पानी बांध का झरना है। इस बांध को देखने के लिए अधिकतर पर्यटक जुलाई से जनवरी माह के बीच आते हैं, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती मनमोहक होती है। लोग मुख्य रूप से इस स्थान पर बरसात और सर्दी के दिनों में आते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ कई तरह के पक्षी आते हैं। बांध के निचले हिस्से में पर्यटकों के स्नान के लिए एक केंद्रीय सुविधा है। विसर्जन के समय बांध से निकलने वाली जलधारा का शीतल एवं निर्मल जल मानव मन को पवित्र कर देता है। बरसात के दिनों में यहाँ सैकड़ों लोग जुटते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। हरियाली से घिरी इस जगह पर लोग खेती करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस बांध के जलमार्ग को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, ताकि पानी एक किनारे से होकर बह सके और आसपास के क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। बरसात के दिनों में यहाँ अधिक पानी रहता है। जलधारा के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बीच से बहती जलधारा देखने में बहुत ही मनभावन है। यह धारा काफी दूर तक फैली हुई है, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
पृथ्वी की सतह का 32% भाग हरी पत्तेदार वनस्पतियों से ढका हुआ है। हम कई कारणों से पेड़ों पर निर्भर हैं, खासकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके लिए। यह ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है। पेड़ हमारा पोषण और सुरक्षा करता है और यह पर्यावरण को हरा भरा भी रखता है, जो हमें कई सौंदर्य मूल्य प्रदान करता है। इसलिए हमें पेड़ों की सुरक्षा के लिए और उनके पूरी तरह से गायब होने से पहले उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड पानी को अवशोषित करते हैं और पृथ्वी को ठंडा और संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। यह हमें अत्यधिक गर्मी और धूप से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है, जो समय की मांग है। ये वातावरण के सभी विषैले पदार्थों और गंधों को छानकर हमारे आसपास मौजूद हवा को फिल्टर करते हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वे वनस्पतियों और जीवों की विविधता प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा पेड़ हमें भोजन और औषधियां भी देते हैं। यह हमें मिट्टी के कटाव से बचाता है। बांध के बाईं ओर ठीक ऊपर एक बांध दृश्य बिंदु है। वस्तुतः यह राजा के समय का विश्राम स्थल है। कोई राजा शिकार करने के बाद आराम कर रहा था और बांध की सुंदरता का आनंद ले रहा था। आप भी एक बार आएं और इसकी खूबसूरती का आनंद लें और मजा लें। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको यह पसंद है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करें।